बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुतला पाकिस्तान, हमारा टॉपिक है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। 20 दिसंबर 1971 था 5 जुलाई 1977। ये टॉपिक आपका एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। आपसे एमसीक्यूज़ में ये दो तरह से पूछा जा सकता है, एक आपको डेट के हिसाब से और एक आपको नेम के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत का आगाज़ कब किया? 20 दिसंबर 1971 को किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत का इख्तिताम कब हुआ? 5 जुलाई 1977 को, या 20 दिसंबर 1971 से 5 जुलाई 1971 तक जो है पाकिस्तान और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का अहदा किसने संभाला? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। भुट्टो मुल्क में पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि मुल्क के पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? भुट्टो थे। कौम में एक नई रूह पैदा करने, मुश्किल हालात का मुकाबला करने और आवाम को अपनी पॉलिसियों मतलब असूलों से रोशनास कराने मतलब आगाह करने, बताने के लिए उन्होंने अपनी पहली तकरीर करते हुए पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को नया अज़म और वलवला दिया। अज़म इरादा, वलवला जोश, उन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, बोर्ड में अक्सर ये आता है, आप इसे मार्क कर लें। हमारे मुल्क को ख़तरनाक बहरान का सामना है। मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है। मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायदे अज़म ने देखा था। मेरे यकीन है वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1977 से 1977 के दौरान मौशी इस्लाहात के अहम पहलू, इस्लाहात तब्दीलियां। सनतों को कौमी तहवील में लेना, कौमी तहवील में लेना मतलब हुकूमत ने अपने अंडर ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। 1971 तक मुल्क के 60% सनती असासे मतलब जायदाद और 80% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ 22 खानदानों की मलकियत था। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है कि सनतों ने जो है वो कितने ख़ानदानों को की मलकियत, यानी 60% सनती असासे और 80% इंश्योरेंस का कारोबार कितनी ख़ानदानों की मलकियत में था? 22 ख़ानदानों की मलकियत में था। 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो हुकूमत ने 22 सरमायेदार ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। कितने ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त किए गए भुट्टो दौरे हुकूमत में? 22 ख़ानदानों के। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 19 कंपनियों को जारी किए गए 10 करोड़ से ज़ायद के सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दे दिए गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेहकाम को आवाम की तरक्की के लिए ज़रूरी ख्याल करते थे। इनके दिल में आवाम की भलाई का जज्बा था। वो सरमायादारों, दौलतमंदों और कारखानादारों की पॉलिसी मतलब असूलों से इतफाक नहीं करते थे। आवाम को इनकी नाइंसाफी से निजात दिलाने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डीनेंस जारी किया। ऑर्डीनेंस का मतलब कानूनी अहकाम, जिसके तहत 10 बड़े सनतों को सरकारी कंट्रोल में लेने का ऐलान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपका, बोर्ड के पेपर में ये तकरीबन हर दफ़ा पूछा जाता है। कौमी तहवील में ली गई सनतों के नाम दर्ज ज़ैल हैं। पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ी बनाने की सनत, भाड़ी और बुनियादी केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरत का सामान बनाने की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत, भारी मशीनरी की सनत, पेट्रोकेमिकल्स की सनत, सीमेंट की सनत, मुफादियामा की सर्विस के तहत आने वाली सनत, ट्रैक्टर प्लांट की तैयारी की सनत, भारी सामान बनाए बिजली की सनत। यहाँ तक 10 के नाम यहाँ मेंशन है, आपने ये याद कर लेने हैं और नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है। कुछ पिक्स यहाँ पर आपको दी गई हैं आपकी समझने के लिए। सनती इस्लाहात के तहत इस्लाहात तब्दीलियाँ, सनती इस्लाहात के तहत 20 सनती इदारों के डायरेक्टर बरतरफ कर दिए गए, मतलब इनको हटा दिया गया और इनकी इंतजामी एजेंसियाँ ख़त्म कर दी गई। हर सनती इदारे के इंतजामी अमूर मतलब काम या मामला को चलाने के लिए अलग-अलग इंतजामी डायरेक्टर मुकर्रर किए गए। 16 जनवरी 1972 को मुल्की मुफाद मतलब फ़ायदे के तहत मज़ीद 11 सनती इदारे कौमी तहवील में लिए गए। भुट्टो हुकूमत के दर्जा बाला इकदाम से पाकिस्तान में सनती तरक्की और इकतसादी इस्तेहकाम पैदा हुआ। बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना, बड़े सरमायेदार ख़ानदानों ने अपने निजी बैंक, निजी मतलब प्राइवेट बैंक और बीमा कंपनियां बना रखी थी, बीमा कंपनियां मतलब इंश्योरेंस कंपनियां, जिससे सरमायेदार निज़ाम को बहुत तकवीत मिल रही थी। तकवीत फरोग
मिल रहा था, तरक्की मिल रही थी। हुकूमत को इन निजी बैंकों और बीमा कंपनियों से कोई खास फ़ायदा नहीं था। चुनाचा हुकूमत ने मुल्क इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी तहवील में ले लीं। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत भुट्टो दौरे हुकूमत में जो है वो कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को कौमी तहवील में लिया गया, कब लिया गया, 19 मार्च 1972 को, और इन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा किया गया। 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान की तमाम शेड्यूल्ड बैंक कौमी तहवील में लिए गए। इससे बैंक मुलाजमीन के हालात भी बेहतर हुए। बैंकों और बीमा कंपनियों को तहवील में लेने से हुकूमत के इक्तसादी लिहाज से ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा और रुपया आवाम की खिलाफ बहबूद पर खर्च होने लगा। यहाँ तक ये आपका टॉपिक आज का है। आपने जो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और बाकी जो है वो टॉपिक आपने याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।